और बड़ा आश्चर्य हुआ पीछे से देखे, अरे ये क्या है। हालांकि मुझे पता था इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, परंतु देखा नहीं था। और अब इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा बहुत घूम के देखेंगे। 8 मंजिल है, ये 8वां है। तो कितनी प्रगति आप सबने की है, और ये आप सबके सेवा भाव, परिश्रम, श्रद्धा, बुद्धि, सहयोग इत्यादि के कारण हुआ है। ऐसे जो प्रकल्प होते हैं वो ऐसे श्रद्धालु लोगों से ही बनते हैं, निष्ठावान लोगों से ही बनते हैं। जहां पे ये सेवा भाव नहीं हो, जैसे बब्बे की भाषा में कहते हैं, लोग केवल भाव खाते रहते हैं। ऐसे बोलते हैं ना बॉम्बे। सेवा भाव ये सबसे मूल्यवान चीज है सारे ब्रह्मांड में, और सबसे दुर्लभ भी है। सेवा भाव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सेवा का अवसर ये हमारा सबसे बड़ा धन है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो प्राचीन काल से ये प्रथा आज तक चलती आई है कि वहां के राजा रथ के सामने रास्ते को साफ करते हैं एक झाड़ू से। तो अभी तो भारत राजतंत्र नहीं है, यहाँ प्रजातंत्र डेमोक्रेसी चल रहा है। तो राजा महाराजा इन शब्दों का तो कोई मायने नहीं रखता राजनीतिक क्षेत्र में। तो लगभग मुझे याद नहीं है 1960 के दशक में या 70 के दशक में भारत सरकार ने जो जितने भी राजाएं थे उनके सारे अधिकार छीन लिए। जब भारत स्वतंत्र देश हुआ 1947 में, तो उस समय 550 ऐसे कुछ छोटे छोटे राज्य थे, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, और वो एक होकर भारत से जुड़ गए। परंतु जब जुड़े तो उन्हें भारत सरकार के साथ एक समझौता करना पड़ा कि हमारा राज्य भारत सरकार से जुड़ रहा है और हमारी कोई स्वाधीनता नहीं रहेगी। हम सब भारत के नागरिक होंगे और भारत सरकार का पूरा अधिकार हमारे राज्य पर होगा। परंतु उन्होंने थोड़े शर्त भी रखे थे कि हमें जो महाराज या जो भी है महारानी जो पदवी मिलेगी, हमें इस पद से हमें बुलाया जाएगा आगे चल के भी, हमें हमारे जो राजमहल आदि है वो बने रहेंगे, और तीसरी बात जो हमारी आदि संपत्ति है, क्योंकि राजाओं की तो बड़ी संपत्ति हुआ करती थी, वो भी हमारे पास रहनी चाहिए, और चौथी बात आपको हमें हर महीने एक तनख्वाह देनी चाहिए। अंग्रेजी में उसको पेवी बर्स कहते थे। तो ऐसे एक बार भारत सरकार ने वहां के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने ये पीवी बर्सेस इत्यादि को जितने भी सुविधाएं उनके लिए थी वो सब रद्द कर दिए। तो उनके सारे अधिकार समाप्त हो गए। अब वो जैसे अन्य नागरिक हैं वैसे ही नागरिक बने। पहले भी नागरिक थे परंतु थोड़े विशेष उनको कोई सुविधाएं आदि दी जाती थी, परंतु इस कानून के बाद वो एक साधारण नागरिक बन गए। और जितने भी चीजों के बारे में समझौता हुए थे जो भारत सरकार के साथ से था, वो सारे समाप्त हो गए। तो इनकी संपत्ति छीन ली गई, थोड़ा कुछ रह गया उनके,
और उनका जो पद था राजा महाराजा वो भी समाप्त हो गया, उनकी जमीन छीन ली गई और गरीबों में या जो भी है जो अलग अलग लोगों में बांटा गया सरकार के हाथ में आ गई और तनख्वाह भी बंद हो गई। जब मैं वृंदावन में रहा करता था लगभग 15 वर्ष पूर्व, तो जगन्नाथपुरी के राजा वहां पर आए थे हमारे मंदिर में दर्शन आदि करने के लिए आए थे। तो अभी राजा तो वो है नहीं, फिर भी सम्मान से सर ये टूटी तो नहीं है। हरे कृष्ण, ऐसे लगता है जैसे टीवी के समय मेकअप लगाते हैं। एक बार टीवी शो के लिए गए थे, उस माता जी को मेकअप करने में बड़ी दूर रहो मेकअप मेकअप नहीं चाहिए। अच्छा रिलीज चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे कोई बात मैं कहूंगा नहीं। तो आज भी उनको राजा का सम्मान मिलता है। तो आए थे तो दर्शन लिया उन्होंने, फिर कमरे में बिठाया, उनको प्रसाद आदि दिया, उनको प्रभुपाद जी के ग्रंथ आदि दिए, उनके पास पहले से ये ग्रंथ थे। तो बातों बातों में तो कहने लगे इंदिरा गांधी ने हमारा सब कुछ छीन लिया लेकिन एक चीज नहीं छीन पाई। सोचा क्या है, शायद कोई महल होगा, कोई नूर जैसा कोई रत्न होगा, कुछ होगा ऐसे विशेष। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा जगन्नाथ की सेवा। जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने भगवान की सेवा आज तक सरकार हमसे छीन नहीं पाई। मेरा धन निकल गया, मेरे पहले चले गए, तनख्वाह नहीं मिल रही सरकार से और ये सब कुछ चला गया, परंतु जगन्नाथ जी की सेवा वो सरकार छीन नहीं पाई है। तो रथ यात्रा के पहले मैं ही झाड़ू लगाता हूँ और अन्य आपको पता है कि वहाँ राजा के कर्तव्य और भी होते हैं मंदिर में और उनका बड़ा सम्मान होता है। वैसे कोई कानूनी दृष्टि से कोई उनका पद नहीं है, वो होगा भी तो कोई ज्यादा महत्व का नहीं है, सरकार ही सब कुछ चलाती है, परंतु आज भी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और वो बहुत श्रद्धालु व्यक्ति है, बहुत सज्जन सुसंस्कृत व्यक्ति है। तो ये हमने जब सुना तो बहुत प्रभावित हुए। अब समझ मुझे समझ में आया कि वास्तव में जो सेवा है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेवा और कोई साधारण काम में अंतर क्या होता है। सेवा और दूसरे कामों में सबसे बड़ा अंतर ये है भाव। जिस भाव से हम काम करते हैं या कार्य करते हैं, भले किसी व्यक्ति को कोई धन मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, परंतु भाव महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति को कोई पैसे नहीं मिल रहा है परंतु उसकी भावना ठीक नहीं है, वो सोचता है कितना बड़ा बोझ है और वो शिकायत करता है, उसको बोझ लगता है, तो फिर ये ठीक नहीं है, ये सेवा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जब सेवा भाव के बारे में कह रहे थे तो एक बार उन्होंने कहा कि आप ठीक से आपका श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो सेवा एक दिन बोझ बन जाएगा। फिर वो कहने लगे कि देखो मंदिर में यहाँ विग्रह है, आप तो जानते हैं कि भगवान के श्री मूर्ति को विग्रह कहते हैं, विग्रह। तो प्रभुपाद जी कहने लगे विग्रह की सेवा करनी चाहिए और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ के उनको जगाना, फिर आपको सुलाना,
फिर दिन भर उनके लिए कुछ न कुछ भोग आदि बनाना, अर्पण करना, आरती उतारना, श्रृंगार करना, बहुत सी चीजें होती हैं। और छोटा मंदिर हो फिर भी कुछ किया जा सकता है, परंतु बड़ा मंदिर हो, बहुत से विक्रय हैं, बहुत सेवा है, और यदि भक्तों की भावना ठीक ना हो तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि यही विग्रह ये गलत ग्रह बन जाएगा। गलत ग्रह समझे, गले फांसी का पंदा जैसे होता है, ये गले में गलत ग्रह बन जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। तो सबसे पहला अंतर ये है, और सबसे महत्वपूर्ण अंतर कि सेवा प्रेम से की जाती है, सेवा श्रद्धा से की जाती है, सेवा उत्साह से की जाती है, निस्वार्थ भावना से की जाती है, सेवा किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। भौतिक जगत में भी बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, जब वो भगवान से जुड़ जाती है सेवा तो वो दिव्य हो जाते हैं। तो जो भी हो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जो भी सेवा भाव से कार्य करते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि हम किसी ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं। पैसे मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हरेक के लिए पैसे आवश्यक होते हैं भरण पोषण के लिए, इसके बिना तो परिवार नहीं चल सकता, शरीर हमारा नहीं चल सकता, तो ये सब आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण बात है कि हमारा भाव क्या है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। और जहां सेवा भाव होता है, हम इसे बहुत मूल्यवान समझते हैं, इसलिए कभी कभी तो इसलिए कभी कभी जब सेवा किसी की छूट जाती है, किसी कारण से सेवा बदल जाती है, वो सेवा किसी और को दी जाती है, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। बाहर की दुनिया में बुरा लगता है अहंकार के कारण, अरे मुझे पद से निकाल दिया, मेरी सेवा निकाल दी। बाहर की जगत में जब ऐसे साधारण कार्य करते हैं, परंतु यहाँ पे खेद ये होता है कि अरे सेवा का अवसर मेरा जा रहा है। जैसे वो राजा, पूरी के राजा ने कहा कि मेरी सेवा सरकार नहीं ले पाई, तो इसे मूल्यवान समझना, इसे हमारा धन समझना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, जब बाहर की दुनिया में भी लोग बड़े रजोगुण में रह के कोई कार्य करते हैं और अपने व्यवसाय को दोगुना तीन गुना बढ़ाना चाहते हैं, कोई अपने नौकरी में प्रगति करना चाहते हैं, ठीक है, फिर वो थोड़े बहुत और भक्ति भी करते हो तो कर्म मिश्र ही हो जाती है। परंतु सेवा ये महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति समझता है कि सेवा ही नेवा है। नेवा जानते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, तो सेवा को ही मूल्यवान समझना, बहुत मीठा। और जब हम इस संसार में कोई भी कार्य करते हैं, संसार का नियम है कि शांति से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबको अनुभव है ना, कितने आप में से कितनों को अनुभव है, कुछ भी आप करने जाइए शांति से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आएगा। चाहे आपका परिवार संभालना हो, चाहे आपको गाड़ी चलानी हो सड़क पे, चाहे आपको सेवा करनी हो, चाहे आपको बैठ के जप करना हो, कुछ भी करना हो, नौकरी करनी हो, व्यवसाय करना हो, शांति से आपको ज्यादा समय के लिए कोई भी कार्य करना संभव नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि सेवा करते समय, निस्वार्थ भाव से सेवा करते समय भी तरह तरह की चुनौतियां आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल शुरुआत में आएगी, बाद में नहीं आएंगे, बल्कि बाद में आएंगे, चला आएंगे,
जितनी सफलता होगी उतनी ज्यादा चुनौतियां आएंगी। एक प्रधानमंत्री थे किसी दूसरे देश के, उन्होंने एक बार कहा था कि जब हम असफल होते हैं तो उसकी समस्याएं बहुत होती हैं, होती है ना, कि जब परीक्षा में कोई फेल हो जाता है, वैसे अब किसी का जो व्यवसाय है उसमें नुकसान हो जाता है या कोई भी बात होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है और इतनी चुनौतियां आती है, चुनौतियां समस्याएं बहुत आ जाती है जब हम असफलता का सामना करते हैं जीवन में किसी भी क्षेत्र में। परंतु उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की कि ऐसा नहीं है कि जब हम सफल होते हैं तो समस्याएं नहीं होती, समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। केवल समस्याओं का जो तरीका है वो अलग से हो सकता है कुछ, परंतु समस्याएं आएंगी क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसे की है। एक के बाद एक के बाद एक समस्याएं आएंगे, दरवाजे पे खड़े होके कतार में भी नहीं रहते, खटखटा के भी नहीं आते, सीधे चले आते हैं दरवाजा खोल के, कभी कभी दरवाजा तोड़ के आते हैं, कभी कभी छप्पर फाड़ के आते हैं जीवन में। तो सेवक को भी ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी सेवक का सेवा भाव वैसे का वैसे रहता है। कभी कभी इधर उधर को डावाडोल हो जाता है क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, तो कभी कभी ऐसी संभावना है कि मन थोड़ा सा विचलित हो जाए, परंतु फिर भक्त या सेवक अपने आप को संभाल लेता है, नहीं नहीं ठीक है, हो गया अभी, हो गया अभी, आगे बढ़ो। तो ये है मुख्य कारण सेवा में और दूसरे कार्यों में। तो क्योंकि ये सेवा भाव आप सबने प्रदर्शित किया है, प्रकट किया है, और आप सब को मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज भी रहे हैं, और आप सब यहाँ मधुवानंद प्रभु का सर्जरी हो रही है ना, हो गया सर्जरी, और उनके साथ में भी आप सब हैं, गिरिराज प्रभु और जितने भी पुराने हमारे भक्त हैं, सब पहले से थे, वो सब यहाँ जुटे रहे और धीरे 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 से भक्त लोग बढ़ते गए, सेवक बढ़ते गए, चाहे वो दृढ़ता से भक्ति कर रहे हो ना हो वो दूसरी बात है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, परंतु सेवा कर रहे हैं, उनका जो भाव है वो बहुत आवश्यक है। तो ऐसे सेवा भाव के कारण भक्ति निधान हॉस्पिटल आज खिल रहा है एक कमल पुष्प के समान। तो आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं इस बहुत ही अद्भुत कार्य के लिए। जब हमारे डॉक्टर पहले विद्यार्थी थे, छात्र थे, तो उस समय से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का बीज बोया गया, सही है? अभी कितने सदियां बीत गए, परंतु अभी बाल सफेद हो गए सबके, सबके बच्चे बड़े हो गए, बात नहीं सुनते हैं, ये सब हो जाता है जीवन। तो अभी वहां से यहां तक एक अद्भुत यात्रा है। उस समय कुछ नहीं था भक्तों के पास, और वो केवल अपने मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर कभी कभी धारावी में जाते थे, कभी सायन में जाते थे, कभी कहीं पालघर में, कभी यहाँ कभी वहाँ मेडिकल कैंप के लिए जाते थे एम्बुलेंस लेकर, फिर वहाँ प्रसाद बना के बांटना, संकीर्तन करना, मेडिकल कैंप करना, ऐसे धीरे धीरे से शुरू हुआ। फिर सबने अपनी डिग्रियाँ प्राप्त कर ली और आगे भी डिग्रियाँ ले ली, और धीरे धीरे से फिर क्लिनिक शुरू हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे से हॉस्पिटल की कल्पना आई और फिर यह हॉस्पिटल बना, और शुरुआत के दिनों में कितनी समस्याएं हुई तो आप सबको याद होगा, क्योंकि शुरुआत का समय होता है तो इतना
इतना आसान नहीं था और तरह तरह की समस्याएं थी, और परंतु आप सबके निष्ठा के कारण, आप सबके एकजुट होके सेवा करने के कारण, आपके सेवा भाव के कारण आज ये चमत्कार यहाँ पर प्रकट हुआ है। हर दृष्टि से देखा जाए, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए या भक्ति के दृष्टि से देखा जाए, किसी भी दृष्टि से हम देखें तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन, और ज्यादा नहीं बात करना चाहता है, मैं कभी कभी कह रहा हूँ हम लोग राजनेताओं की तरह माइक मिल जाता है तो बोलना बंद नहीं करते, फिर हम आगे चलते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना करके हम भी आप सबको भी कुछ मौका देना चाहते हैं, कुछ यदि आपको कुछ कहना हो पूछना हो अवश्य आप सब पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी ने सेवा भाव के ऊपर हम सबको बहुत सुंदर तरीके से उद्बोधित किया हुआ है। आप में से यदि किसी के कुछ प्रश्न है, दो तीन प्रश्न अधिक से अधिक हम ले सकते हैं, थोड़े होंगे और चलेगा। ठीक है, आप लोग सब व्यस्त हो, आप लोगों को कुछ अपनी सेवा करनी है, काम करना है, आप देखो आपके पास इतना समय है, लेकिन आप दो चार पांच कर लें। महाराज मेरा एक प्रश्न है, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो शुद्ध भक्ति का स्तर होता है उसके पूर्व का स्तर होता है निष्काम कर्म योग का, और भगवद गीता में जो बुद्धियोग बताया गया है उसको श्रील प्रभुपाद जी ने बुद्धियोग को भी शुद्ध भक्ति से समानता व्यक्त की गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग भक्ति के जो कार्य होते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि, तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन जब निष्काम भाव से, जैसे आपने सेवा भाव बताया, तो सेवा भाव तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ निष्काम भाव से हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। ये योगी लोग करते हैं जैसे आप सब। कुशलता कर्म में, भगवद गीता में कहते हैं ना भगवान, कौशल, तो कर्म की कुशलता केवल इसमें नहीं है कि हम कितने उस कार्य करने में दक्ष हैं, प्रवीण हैं, वो तो है ही, हमें सीख लेना चाहिए। यदि हम हैं भी नहीं प्रारंभ में, तो हमें सीख लेना चाहिए कि कैसे जो कार्य कर रहे हैं वो दक्षता से करें, प्रवीणता से करें। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारा भाव, हमारी मानसिकता, अंग्रेजी में इसको एटीट्यूड कहते हैं, ये सबसे आवश्यक चीज है। तो चीज हमारे कार्य की निपुणता के ऊपर निर्भर नहीं होती, हम योगी है या नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा यदि हम हृदय से कर रहे हो, तो हमें प्रयास करना चाहिए। परंतु तो योगी होना न होना ये एक मानसिकता की बात है, एटीट्यूड, मनोभाव की बात है। यदि हमने समझ लिया कि मैं करता नहीं हूं, मैं प्रयास करना हूं, जितना भी भगवान ने मुझे दिया है, बुद्धि है, बल है, योग्यता है, ज्ञान है, कुशलता है, वो मैं उसका प्रयोग करना हूं, और थोड़ा बहुत निरासक्त रहना। निरासक्त होना इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लापरवाही करें, ये गलत धारणा है कि निरासक्त होना अर्थात हम लापरवाही करेंगे। सो डिटैच
अटैचमेंट इज नॉट नेग्लिजेंस. तो हृदय से हमें कार्य करना चाहिए और हृदय से करने से जब हम समझेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, भले हम भगवान के शुद्ध भक्त न भी हो, भले हम भगवान के शुद्ध भक्ति के मार्ग में भी न भी चल रहे हो, परंतु यदि हमारे मन में ये भाव है कि ये कर्मी हो कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ मिला नहीं मिला, हाँ क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और दुनिया की जो सत्यताएं हैं, रियलिटीज ऑफ लाइफ, उनको भी देखना पड़ता है, हमें पैसे चाहिए परिवार के लिए इत्यादि. परंतु साधारणतः यदि हम सेवा की भावना को बनाए रखें फिर वो योगी हो जाता है, क्योंकि हम हृदय से कर रहे हैं. साथ साथ हमें पता है कि मेरे कारण ही सब नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम ये सोचेंगे तो अपने आप अहंकार आ जाता है, देखो मैंने किया. छोटी से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी चीज हो, तो जहां अहंकार नहीं है वहां योग है, कर्मयोग. अहंकार जहां आ जाता है और व्यक्ति अपने आप को अहंकार के दृष्टि से कर्ता मानने लगता है, तब समस्या हो जाती है, फिर वो योगी नहीं होता. हरे कृष्ण गिरिराज. महाराज, सेवा भाव जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ऐसी परिस्थितियों में भी रहकर कैसे सेवा भाव हम का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं? करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय हम सबके लिए आएगा जब हमारा शरीर और मन हमारा साथ नहीं देगा. वो दिन आएगा ना कभी, ऐसा समय जब कोई शारीरिक कष्ट होता है, कोई रोग होता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, कोई अन्य प्रकार की समस्या जीवन में आ जाती है, तो हम उन चीजों को नहीं कर पाएंगे जो हम पहले आसानी से करते थे, परंतु अब इन समस्याओं के कारण हम नहीं कर पा रहे. तो इसलिए भाव का अनुशीलन करना प्रारंभ से करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आगे साथ नहीं देगा, परिस्थिति हमारे साथ नहीं देगी, एक ही चीज हमारे साथ रह जाएगी, क्या है? हमारा भाव. तो जब हम बिस्तर पर लेटे होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे, बुढ़ापा आ गया, हम लेटे हैं कुछ नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन मन तो है साथ में, इसलिए अभी से हमें तैयारी करनी है, धीरे 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 से. इसलिए ये सेवा भाव जो है बहुत आवश्यक है. और सेवा दो प्रकार के चीजों में, एक तो मूल आध्यात्मिक कार्यों में जैसे शादी है, दूसरा हमारे दैनिक कार्यों में, चाहे हमारे जीविका के साथ का साधन हो या ऐसे कोई अन्य हमारे संसार की जिम्मेदारियों के पालन में हो. तो ये दोनों प्रकार के हैं. एक को कहते हैं मुख्य अंग भक्ति के, दूसरे को कहते हैं गौण अंग, सेकेंडरी. तो दोनों को हमें ध्यान से रखना चाहिए. तो इसलिए सेवा भाव का अनुशीलन प्रारंभ से हम करते रहेंगे, मन मन की तैयारी करते रहेंगे, तो जब समय आएगा हम तैयार रहेंगे. राइट. हरे कृष्ण महाराज. महाराज, आपने सेवा भाव के ऊपर बहुत अच्छा से बताया कि जो फाउंडर मेंबर्स हैं, महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और उस सेवा भाव से उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल हमारे सामने है, और हम भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का मौका मिला. हमें एज ए न्यूफाइट और इनिशियल डिवोटीज यहाँ पे कार्यरत होते हुए
किस प्रकार से हम समझें कि मैं भी हमारे गुरु महाराज के प्रोजेक्ट में भाग लेकर उनको प्रसन्न कर रहा हूँ, ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हम जाने कि हाँ हमारे सेवा भावी काम से हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा। तो मुख्य शिक्षा यही है ना, सेवा भाव। बार बार तो इसी चीज को कहते हैं दासा उदास। तो चाहे हम बाहरी रूप से ऐसे करें या न करें, परंतु आंतरिक भाव को अनुशीलन करना आवश्यक है, और बाह्य दृष्टि से भी जैसे आवश्यक है वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। तो विनम्रता से इस भाव का अनुशीलन करना, यही सारे की शिक्षाओं का सार है। परंतु जो आवश्यक है वो भी हमें करना है। जैसे कुछ जो सुरक्षा का विभाग संभाल रहे हैं हॉस्पिटल में, अब समझो कोई व्यक्ति आया उत्पाद करने लगा, तो उस समय विनम्रता का सिद्धांत सामने रख के हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठेंगे नहीं, उससे कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये विनम्रता शब्द का तात्पर्य क्या है, ये बहुत गहरा है हमें। तो फिर भी दोनों चीजों की आवश्यकता है, आंतरिक दृष्टि से भी और बाह्य दृष्टि से भी हमें अनुकूल तरह से सेवा करनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारा आपने बहुत अच्छा सेवा भाव के बारे में बताया, और जब हम सेवा सब बहुत सारे भक्तों के साथ करते हैं तो इन जनरल स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बार प्रोवोकिंग सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जैसे रतनाथ महाराज हमेशा बताते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हाउ मच ही टॉलरेट्स अ प्रोवोकिंग सिचुएशन। सो वी अंडरस्टैंड, बट मेनी टाइम्स वी रिएक्ट and then we understand how I should have responded. So if you analyze at the end of 1 month, you may have got 20 situations, 20 situations aise aaye the provoking, aur aap chahte the respond karna, but actually 70-80% of them reaction hi ho gaya. To kuch tips dijiye na Maharaj, aap hamesha itna shant rehte ki kaise hum respond karna seekhe aur reaction na karein. दो चीजें हैं, एक जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो अपने आप अंदर से विकास होता है, जिसके कारण जो अच्छे गुण है वो प्रकट होने लगते हैं। परंतु हम तब तक के लिए राह नहीं देख सकते। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि अब मैं अहंकार से बात कर रहा हूं क्योंकि नम्रता आई नहीं मुझे, तो मैं नकल क्यों करूं जो मैं हूं सा हूं, और इसलिए मैं जैसे चाहे वैसे बोलूंगा क्योंकि नेचुरली हम लोग हूं स्वाभाविकता से। तो नहीं, अब दूसरी बात आती है कि हम नहीं भी हों फिर भी हमें प्रैक्टिस या अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे कोई परिस्थिति आती है जिसमें हमारी सहनशीलता की परीक्षा होती है, तो हमें भगवान हमें अभ्यास करने का मौका देते हैं। तो भगवान बहुत सारे मौके देंगे, प्रतिदिन मौके आते हैं। और भगवान ने कहा है कि मैंने दुनिया की रचना की ही ऐसे, गाड़ी चलाओ, गाड़ी में बैठो, नहीं भी चला रहे हो, कोई ना कोई बीच में आ जाएगा। अचानक कोई किसी ने सिग्नल नहीं दिया, कोई अचानक कुछ कोई भाग के रास्ते में चला गया, आपको ब्रेक मारना पड़ा, कुछ ना कुछ। जैसे मैं कह रहा था, शांति नहीं है यहाँ पे, शांति के पीछे मत रहो, शांति हो ही नहीं सकती यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर अशांति पैदा करें, वैसे भी शांति नहीं है तो चलो, हाँ फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से शांति होगी। जो लोग तामसिक जीवन जिएंगे उनके लिए तो अशांति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कम से कम सात्विक जीवन में होगी, परंतु हमारे कार्यों के कारण नहीं होगी, कभी हो भी सकता।
परंतु परिस्थिति के कारण हो सकता है। तो हमें बस अभ्यास करना, प्रैक्टिस। अभी 10 बार 10 परिस्थितियों में हो सकता है कि 7-8 बार हम सफल हो गए, परीक्षा में पास हो गए, 1-2 बार फेल हो गए, परंतु हम सीख लेते हैं उससे कि हम मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से आप हाथ उठाइए या नहीं उठाइए। आप में से कितने लोगों ने कभी कोई बात कही और आपको लगा कि अरे मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था? कितने लोगों को ऐसे लगा? सबको लगा है, हो जाता है। हमारे एक भक्त थे, तो वो मायापुर में भागवत क्लास दे रहे और उनके मुंह से कुछ निकला, एक बात निकली उनके मुँह से, तो यहाँ वहां से सबकी टिप्पणियां शुरू हो गई। तो मैं कह रहे कहा मेरे मुंह से निकल गया एक शब्द, क्या का क्या हो गया। देखो अंग्रेजी में कहते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल, एक बात निकल गई, पता नहीं कैसे निकल गया मुंह से, और अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई इसकी। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, ना चाहते हुए एक शक्ति होती है जो हमारे मुंह से वो शब्दों को निकलवा देते हैं। कभी कभी भगवान जानबूझ कर निकलवाते हैं, कभी कभी अपना मन ही वो निकलवाता है। ऐसे वो कुंभकर्ण की बात पता है जो शाप मिला था? कुंभकर्ण ने तपस्या की थी, तो कुंभकर्ण को भी वरदान मिल गया, विदिशा को मिल गया। रावण जब आया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि इसको आप वरदान दोगे तो क्या होगा। कुंभकर्ण को तो दे दिया, अभी कुंभकर्ण को भी अग्नि तो इनको दे दिया, रावण को दे दिया, कुंभकर्ण को भी दोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब कुंभक आप कुछ करो, तो सरस्वती देवी जो विद्या और वाक वाणी की देवी है वो जाके वास करने लगी कुंभकर्ण के जीव पर। और ब्रह्मा जी ने पूछा कि मुझे बुलाया, क्या वरदान चाहते हो? तो वो बोलना चाहते थे निर्देवत्व, मतलब देवलोक में ये देवता लोग न रहे, साम्राज्य वो हमारा हो जाए, हम असुर जो है हम लोग स्वर्ग लोक में राज करें, तो स्वर्ग निर्देवत्व हो जाए, मतलब कोई देवता न रहे वहां पर। और निकल गया उनके मुंह से निर्द्रम। तो जल्दी से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तो यहाँ पे सरस्वती देव की कृपा से ये शब्द निकल गए। अब हम ये नहीं कह सकते हमारी बात भी सरस्वती ने किसी और ने की, वो हमारा मन कहता है। तो एक आध बार कभी मुंह से कुछ निकल भी जाता है, हो सकता है, सबके लिए ऐसे होता है, परंतु प्रयास करना चाहिए। ऐसे अभ्यास करके, प्रैक्टिस कर करके, फिर धीरे धीरे से जो पहले 2 बार काबू में रख पाए, फिर 4 बार, फिर 6 बार, ऐसे करके धीरे धीरे हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है। अभ्यास करते रहेंगे परिपूर्णता प्राप्त होगी, दैट इज द ओनली वे। और साथ साथ हमारे आध्यात्मिक कार्यों को भी करना है, आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर हमें कार्य करना। ऐसे बहुत बार नेचर बताया जाता है कि डोंट फील एंथुजियास्टिक, एक्ट एंथुजियास्टिक। तो क्योंकि हम सब साधक हैं, सब ने मैं सॉरी आई एम वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ दिस साधना भक्ति,
तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि शायद पहले जब ये ज्यादा सेवा भाव था, एकदम एंथुजियास्टिक थे, और कभी लाइफ इज लाइक ईसीजी ग्राफ, इट विल नॉट ऑलवेज रिमेन, सो कभी कम हो जाता है सेवा भाव. फिजिकल सेवा उतना ही करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट भावना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ रिपोर्ट साइनिंग फिजिकल, बट इनसाइड भावना कभी कभी उतना हाई लेवल का नहीं रहता है. शायद ऐसा मेरी लाइफ में अगर हो रहा है तो मैं जब भी उसको एनालिसिस करती हूँ तो आई एम जस्ट एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट वर्किंग इन द हॉस्पिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सर्विसेज. तो हाउ टू एनालाइज इट एंड इज माई साधना नॉट प्रॉपर, द चेंजिंग सिनेरियोज कैन मेक इट हैपन, बट how Maharaj is instructed, even if you don't feel enthusiastic, just act enthusiastically. तो क्या अंदर की सेवा भाव नहीं भी है, अभी शायद कम है, कभी ज्यादा होगा, कभी सेवा भाव कम होगा, but you keep on working nicely as a service to Srila Prabhupada, as service to Gurudev. तो ये भावना सही है या इस भावना को थोड़ा और ऊपर लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? Can I do anything? ये जो समस्या है ये जीवन के हर एक क्षेत्र में और हर एक कार्य में पाया जाता है और इसको कहते हैं अति परिचया अवज्ञा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंप्ट. प्रारंभ में किसी भी क्षेत्र में आप देखिए बहुत उत्साह रहता है. जब कोई नया विद्यार्थी बनता है मेडिकल कॉलेज में जाता है और उत्साह रहता है, बाद में फिर धीरे धीरे कम हो जाता है. पहले कोई फौज में भर्ती होता है एकदम गुस्सा होता है, बाद में फिर कम हो जाता है. पहले कोई विवाह कर लेता है बहुत गुस्सा से, तो ये दुनिया है. भगवान ने ऐसे सृष्टि की रचना की है, प्रारंभ में हमें बहुत उत्साह होता है, परंतु धीरे 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 से जैसे जैसे परिचित हम और होने लगते हैं उस कार्य से, लोगों से, फिर वही अति परिचय अवज्ञा धीरे 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 से फिर अरे ये तो ऐसे है वो तो ऐसे है. इसलिए आंतरिक अनुशीलन बहुत आवश्यक है. इसलिए योग की बात होते हैं कि मन की स्थिरता, इसी को योग कहते हैं. मन को स्थिर रखना हर अवस्था में, कभी भी मन कहे कि मत करो, यदि करना है तो फिर हमें करना चाहिए. तो ये एक प्रयास जो है अभ्यास करना है, सिर्फ आंतरिक और बाह्य ये हमें करना है, करते रहना है. और ऐसा नहीं है कि एक साल करने से, दो साल, दस साल करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, होगा नहीं भी होगा. हमारा काम है करना, उससे जो भी सुख आएगा, जो आनंद आएगा, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वो भगवान के हाथ में. कभी कभी भगवान तो ऐसे यहाँ कष्ट भेज देते हैं तो हर बार सुख नहीं भेजते हैं भगवान. हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, जब अपेक्षा करेंगे तो उदास हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ मिले हमको. जब नहीं मिलता है तो फिर कष्ट होता है. हरे कृष्णा, आई थिंक वी स्टॉप हियर. तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको. हरे कृष्णा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुत व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर हम सबको अपना अमूल्य उपदेश दिया हुआ है. आपसे प्रार्थना है कि इस बार आप कई वर्षों के बाद आए हैं तो आपके मालूम नहीं आपका व्यस्त जीवन कैसा है, लेकिन फिर भी कम से कम वर्ष में एक बार आप यहाँ पर हमें अपना दर्शन देंगे तो हम सभी को बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी. ऐसा कारण है कि सभी लोग शुरू से ही आपको जानते हैं. अस्पताल की जब भूमिका रखी गई थी तब भी आप यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए थे. अभी अस्पताल को चलाने के लिए मार्गदर्शन नहीं चाहिए, लेकिन
सच्चा सेवा भाव विकसित करने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप सबसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आऊंगा कि सेवा भाव क्या होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।